Hello learners, welcome back to my YouTube channel. I am here with the second worksheet which is provided by the Education Department. जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, इस समय पर कोरोना महामारी की वजह से आपके जो स्कूल्स हैं वो 31 जुलाई तक क्लोज कर दिए गए हैं और आप लोगों को घर पर ही सेल्फ स्टडी करनी है। इसके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट आपको वर्कशीट्स भेज रहा है डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स की जो आपको करनी है। एंड दिस इज़ द सेकंड वर्कशीट फ्रॉम योर हिस्ट्री चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। लर्नर्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड 3 to 5 मार्क्स हो या 1 मार्क्स हो, इसमें से हमेशा से ही आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैंने इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में अपने चैनल पर वीडियोस के थ्रू समझाया है। मैं इस चैप्टर की वीडियोस ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने उस वीडियोस को देखा है उसके लिए ये बहुत ही ईजी वर्कशीट है, बट दोज स्टूडेंट्स हु डिंट वॉच माई वीडियोस और जो अभी अभी जुड़े हैं इस चैनल से, तो मेरा सजेशन यही होगा कि पहले आप लोग उस वीडियोस को देखिए, पूरे चैप्टर को समझिए, उसके बाद आपको ये वर्कशीट बिल्कुल खेल के जैसे लगेंगे, आप उनको चुटकी बजाकर सॉल्व कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। और वर्कशीट पर आने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बात करूंगी। और हमने फ्रेंच सोसाइटी के बारे में कल बात की थी कि फ्रेंच सोसाइटी जो है वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट स्टेट के अंदर चर्चे जाते थे, सेकंड स्टेट के अंदर नॉबल्स आते थे और थर्ड स्टेट के अंदर ब्यूरोक्रेसी, सिटी वर्कर्स और पीजेंट्स आते थे। फर्स्ट 2 स्टेट्स churches and nobles enjoyed the birth based privileges and they did not pay any type of taxes. Even wo impose karte the third state ke upar taxes, to third state ko double tax pay karna tha, ek state ko aur ek church ko, to sara taxes ka burden jo hai wo third state ke logon ke upar tha aur maximum population almost 90% jo population thi wo third state ke andar aati thi, jo is wajah se bahut zyada pareshan thi. Iske baad humne kal ye bhi discuss kiya tha ki jo rulers the wo bahut hi bad administrator the. और लुई 16th को फाइनेंशियल क्राइसिस देखना पड़ा था व्हेन ही वाज अपॉइंटेड एज अ किंग। ही फाउंड हिज ट्रेजरी एम्प्टी। क्यों? क्योंकि उससे पहले के जो उसके पूर्वज थे, लुई 14th, लुई 15th एंड दिस लुई 16th, दे वर ऑलवेज बिजी इन वॉर्स और जिसकी वजह से बहुत सारा फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था, बहुत सारे पैसे की प्रॉब्लम हो गई थी और फ्रांस को बहुत सा पैसा बोरो करना पड़ा था। इसके बावजूद जो इनकी वाइफ थी वो बहुत फिजूल खर्ची करती थी, मैरी एंटोएट, और लुई 16th ने भी वर्सेल्स के अंदर एक बहुत ही भव्य महल बनवाया था और जिसके अंदर एक्सपेंसिव किंग्स कोर्ट बनवाया था और जो बोरोवर्स, जो लैंडर्स थे वो बहुत बिग इंटरेस्ट रेट वसूल कर रहे थे, तो जिसकी वजह से फ्रांस की स्थिति बहुत ही ख़राब थी। अब हम बात करते हैं कोजेज की। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कोजेज क्या क्या थे? सबसे पहले हमने इकोनॉमिक कोजेज की बात कर ली है कि इकोनॉमिक कॉजेज में क्या है कि 2 billion लिब्रे का डेब्ट था इसके ऊपर, इसकी ट्रेजरी एम्प्टी थी और हार्वेस्ट भी ज़्यादा अच्छी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से फाइनेंशियली फ्रांस बहुत वीक हो गया था। अब पॉलिटिकल कॉजेज की बात करें तो बहुत ही वीक एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, बर्थ राइट को इन्वॉल्व करते थे और लुई 16th की पॉलिसीज़ बहुत ही पुअर थी, जिससे जो
पीपल ऑफ फ्रांस थे वो सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं थे। सोशल कोज हम बात कर चुके हैं कि सोसाइटी ऑलरेडी थ्री ग्रुप्स में डिवाइड थी और तीनों ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। फिलोसोफर्स जो रूसो जॉन लॉक जैसे जो फिलोसोफर्स थे वो अपने आइडिया को स्प्रेड कर रहे थे और लोगों को मोटिवेट कर रहे थे कि उन्हें रिवॉल्यूशन करना चाहिए और एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना चाहिए। अब बात करते हैं इमीडिएट इफ़ेक्ट की। ये सब बहुत टाइम से हो रहा था और लोग इसको सफ़र कर रहे थे, लेकिन जैसे आपने साइंस में पढ़ा है एक स्प्रिंग है, जितना आप उसको प्रेस करते जाते हो वो उतना प्रेस होता जाता है और एक टाइम ऐसा आता है यदि आप उसको छोड़ते हो तो वो एकदम से सडनली रिएक्ट करता है। तो ऐसा ही कुछ फ्रांस के लोगों के साथ हुआ। जब तक फ्रांस के लोग इन सब प्रॉब्लम से लड़ रहे थे तब तक वो फाइट करते रहे, लेकिन एक स्थिति ऐसी आई कि उन्हें उनके लिए अनबियरेबल कंडीशन हो गई और उन्होंने रिवोल्ट किया। उस समय का जो बेसिक रीजन था वो था लुई 16 को ट्रेजरी एम्प्टी मिली, जिसकी वजह से वो अपने ट्रेजर के अंदर कुछ करेंसी या कुछ पैसे डालना चाहता था। सो उसने नए टैक्सेस इम्पोज करने के लिए प्रपोजल रखा, जिससे लोगों के अंदर का गुस्सा सडनली बाहर आ गया और लोगों ने रिवॉल्यूशन किया। तो अभी आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो रीज़न थे, किस वजह से वो हुआ, ये आपको पता चल गया है। जीन जेकस रोशो जिन्होंने बुक लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इन्होंने एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के आइडिया को स्प्रेड किया। जॉन लॉक जिनकी बुक का नाम था टू ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन कि राजा जो है भगवान का रूप होता है इसको नकार दिया, और ये बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे कि राजा जो है एब्सल्यूट राइट हो उसके पास, यानी कि सारे डिसीजन लेने की पावर उसके पास हो, ये इस आइडिया के बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे। और मॉन्टेस्क्यू इनकी बुक का नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉज, जिसमें इन्होंने कहा एक फेडरलिज्म की बात की, डिवीजन ऑफ पावर की बात की कि गवर्नमेंट के पास सारी पावर नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट की पावर को हमें अलग अलग लेवल पर डिवाइड किया जाना चाहिए। तो ये कुछ फिलोसोफर्स थे उस समय जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को इनक्रीज कर रहे थे, लोगों के अंदर की फीलिंग को आप कह सकते हो बाहर लाने की कोशिश कर रहे थे और लोगों को कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन इज मच बेटर देन दी मोनार्की। अब जो लुई 16 हैं वो टैक्स इम्पोज करना चाहता है नए, जिसके लिए उसको स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। उसके पास इतना राइट नहीं था कि वो खुद ही एक टैक्स को इम्पोज कर दे, तो उसको उसके लिए स्टेट जनरल की परमिशन चाहिए होती थी। अब ये स्टेट जनरल क्या है, ये एक रिप्रेजेंटेटिव्स की एक मीटिंग होती थी, एक आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन होती थी, और ये कभी कभार ही बुलाई जाती थी, और इसके अंदर तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे और हर स्टेट को एक वोट काउंट किया जाता था। थर्ड स्टेट को हमेशा ही उस वोटिंग सिस्टम से बाहर कर दिया जाता था। अब ये मीटिंग बुलाई कब गई टैक्स इम्पोज करने के लिए, 5 मई 1789 को, लेकिन आर्टिशंस पीजेंस और वुमन्स वर नॉट अलाउड टू एंटर इन दिस स्टेट जनरल मीटिंग। लेकिन ये लोग अपने 40,000 लेटर्स में अपनी डिमांड लेकर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू ये मीटिंग में भेजते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक बात की कि थर्ड स्टेट को हमेशा ही आउटवोटेड कर दिया जाता था, उसकी वोट की कोई वैल्यू नहीं होती थी। ऐसा क्यों, ऐसा किस कारण से होता था, इस डायग्राम को देखिए। ये फर्स्ट स्टेट है कॉलेजी और चर्चेस, सेकंड स्टेट नोबेलिटी, और थर्ड स्टेट है
कॉमन पीपल। जब जनरल स्टेट जनरल की मीटिंग होती थी तो 300 रिप्रेजेंटेटिव्स कलर्जीज के आए, 300 नॉबिलिटी के आए और 600 जो है वो थर्ड स्टेट से आए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वन स्टेट इक्वल टू वन वोट, तो कलर्जी की वोट वन और चर्चेस की वोट वन, तो ये ऑलरेडी मेजॉरिटी में आ जाती थी क्योंकि कुल तो 3 ही वोट्स हैं और जिनमें से 2 ऑलरेडी पड़ गई हैं, तो थर्ड स्टेट की वोट की कोई वैल्यू ही नहीं होती थी। तो इस बार जब स्टेट जनरल की मीटिंग हुई तो थर्ड स्टेट ने कहा कि स्टेट को वन काउंट नहीं करना चाहिए, जबकि वन पर्सन इक्वल टू वन वोट होना चाहिए। यहाँ आप समझ सकते हो कि ये दोनों मिलाकर 600 हैं और ये अकेले 600 हैं। तो इन्होंने कहा कि वन पर्सन वन वोट होना चाहिए, ना कि वन पर्सन इक्वल टू वन स्टेट। लेकिन जो किंग है वो जानता था कि ऐसा करने से जो थर्ड स्टेट है वो पावरफुल हो जाएगी, तो ही डिनाइड दिस प्रपोजल। और थर्ड स्टेट के मेंबर्स ने प्रोटेस्ट किया और सदन को छोड़कर चले गए। उन्होंने अपने आप को एंटायर फ्रेंच नेशन का स्पोक्सपर्सन बताया और उस समय पर जो जीन जेक्स रूसो थे उनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक के जो आइडियाज़ थे वो उन लोगों की एक्टिविटी में रिप्रेजेंट हो रहे थे। नाउ अब वो इकट्ठे होते हैं 20 जून 1789 को हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सेल्स, जो वर्सेल्स के अंदर एक महल बनाया था उसके जहां पर इकट्ठे होते हैं इंडोर स्टेडियम के अंदर और अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देते हैं। और वो ये भी कसम खाते हैं कि वो तब तक इस नेशनल असेंबली को रिजॉल्व नहीं करेंगे जब तक कि वो मोनार्क की पावर को बिल्कुल ही ख़त्म नहीं कर देते हैं। टेनिस कोर्ट ओथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो सारा इंसिडेंट हो रहा था इसको लीड कौन कर रहे थे? एबेसियास एंड मिराबेओ, ये दोनों लीडर थे इनके। अब टेनिस कोर्ट ओथ के बाद नेशनल असेंबली जब ड्राफ्ट हो रही थी तो फ्रांस के अंदर कुछ और ही प्रॉब्लम हो गई थी। स्वियर विंटर की वजह से हार्वेस्ट जो है पूरी तरीके से ख़राब हो गई, जिसकी वजह से जो ब्रेड थे उसके प्राइसेस इंक्रीज हो गए और बेकर्स जो थे वो इससे सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहे थे और उन्होंने सप्लाई को कम कर दिया, जिसकी वजह से जो महिलाएं थी, जो वुमन्स थी, वो लंबी लंबी क्यूज़ में घंटों खड़े होने के बाद भी उनको ब्रेड नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और उन्होंने उन बेकरी शॉप्स को अटैक करना शुरू कर दिया। अब जो किंग है उसने ऑर्डर दिया अपनी ट्रूप्स को कि वो पेरिस जाएं, लेकिन उसी समय पर कंट्री साइड के अंदर ये रूमर्स फैल गया, रूमर्स होता है भ्रम, एक अफवाह ये फैल गई कि जो लॉर्ड हैं उनके मैनोर, यानी कि जो हायर किए हुए पैसे देकर के ख़रीदे हुए जो गुंडे होते हैं वो अटैक करने वाले हैं और उनकी फसलों को ख़राब करने वाले हैं। तो पीजेंट्स ने उनसे पहले ही उनके नॉबल मैन के जो कासल्स थे, जो महल थे, जिसको चैटॉक्स बोला जाता था, उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। उन्होंने उन नॉबल्स के पास जितना भी ग्रेन था उसको लूट लिया और जितने भी उनके मेनोरियल ड्यूज से रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स थे सबको जला दिया। और इन सब की वजह से लोग जो हैं इतने हेट करते थे बास्टिल के फोर्ट से कि उन्होंने उस बास्टिल के महल पर ही अटैक कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने बास्टिल के पूरे किले को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि वो बास्टिल को कैरेक्टरिस्टिक्स मानते थे एक डेस्पोट और एब्सल्यूट किंग की। डेस्पोट और एब्सल्यूट किंग होता है ऐसा निरंकुश शासक जो पूरी पावर को अपने हाथों में कंट्रोल करके रखता है, ये मैंने कल भी आपको बताया था। आई होप आपको
मैंने जो जो कॉन्सेप्ट समझाया है ये आपको इजीली समझ आ गया होगा. नाउ द टाइम ऑफ क्वेश्चन आंसर्स. हु वॉज द किंग ऑफ फ्रांस इन 1789 में फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16th. किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था? बोर्बन डायनेस्टी. व्हाई वॉज द मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल कॉल्ड? स्टेट जनरल की मीटिंग क्यों बुलाई गई थी? क्योंकि जो किंग है लुई 16th, ही वॉन्टेड टू इम्पोज द न्यू टैक्सेस, और उसके इम्पोज करने की पावर उसके पास नहीं थी, इसलिए उसने थर्ड स्टेट की मीटिंग बुलाई. व्हाट डिड द पीपल ऑफ थर्ड स्टेट डिक्लेयर देमसेल्व्स? थर्ड स्टेट के जो लोग थे उन्होंने खुद को क्या डिक्लेयर किया? नेशनल असेंबली. व्हाई डिड पीपल डिस्ट्रॉय बास्टिल? लोगों ने बास्टिल के किले को डिस्ट्रॉय क्यों कर दिया? एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ द थर्ड स्टेट? थर्ड स्टेट के लोगों की डिमांड क्या थी? हाउ आर दीज डिमांड्स रिलेटेड टू द करंट सोशल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन? और ये जो डिमांड्स थी ये कैसे आज की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति से संबंधित हैं? Here you can see the worksheets which is provided by the Delhi government. Students, I hope आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी. इससे आपको हेल्प मिलेगी अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करने में इस कोरोना पीरियड में, क्योंकि आप, मैं जानती हूँ आप लोग स्टडीज़ को, स्कूल्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. तो मैंने अपनी वीडियोस में, मैं चाहती तो पूरा लेक्चर, पूरा चैप्टर एक ही लेक्चर में ख़त्म कर सकती थी, लेकिन मैंने बहुत छोटे छोटे वीडियोस में एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है. यदि आप इस चैप्टर की अगली वर्कशीट आने तक इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन फिर से वही है, आप उन वीडियोज़ को देखिए और वहाँ से पूरा चैप्टर समझिए. उसके बाद आपको ये बहुत ही इजी लगेंगी, आपको लगेगा कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है. सो सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम.